आज की वीडियो में हम कोर्लिस उस्मान में दिखाए जाने वाली एक अहम तारीखी शख्सियत सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद स्वयं पर बात करने वाले हैं। हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि कोर्लिस उस्मान में दिखाए जाने वाले ये कम उम्र सुल्तान कौन थे, सुल्तान उस्मान से इनके ताल्लुकात कैसे थे और इनकी हुकूमत ख़त्म होने की वजूहात क्या थी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कोई सवाल या कोई मालूमात शेयर करनी है तो हमें कमेंट में बताएं। सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद स्वयं सलजोकी सल्तनत के 19वें सुल्तान। अगर हम सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद स्वयं की इब्तदाई ज़िंदगी का अहवाल जानने की कोशिश करते हैं तो हमें तारीख में बहुत ही कम मालूमात मिलती हैं। सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद स्वयं की पैदाइश सिलीशिया में हुई। आपकी पैदाइश का साल 1281 या 1282 बताया जाता है। आपके वालिद शहजादे फरामर्ज थे। शहजादे फरामर्ज ने साल 1280 में सलजोकी सल्तनत के तख्त के हसूल के लिए जदोजहद की, मगर वो नाकाम रहे और फिर सिलीसिया नामी इलाके में रिहाइश पजीर रहे। सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद स्वयं से पहले सल्तनत सलजोक पर सुल्तान मसूद की हुकूमत थी। सुल्तान मसूद के किरदार को हम सब ने कोर्लिस के सीजन 2 और 3 में देखा है। ये वो वक्त था जब सल्तनत सलजोक अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और सल्तनत पर मंगोलों का कब्जा था। सुल्तान मसूद ने खुफिया तौर पर मंगोलों के खिलाफ जंग का आगाज किया, जिसकी वजह से मंगोलों के हुक्मरान गजान खान ने सुल्तान मसूद को माजूल किया और आपकी माजूली का साल 1296 था। और फिर 2 साल तक सुल्तान के बगैर रहा और फिर 1298 में गजान खान ने सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद स्वयं को सुल्तान मुकर्रर किया। ये वो दौर था जब 1299 में उस्मान गाजी ने काराजा हसार फतह किया था और इस फतह की खबर सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद स्वयं तक आग तैमूर और अपने करीबी सिपाहियों के जरिए भिजवाई थी। सुल्तान ने इस फतह की मुबारकबाद उस्मान गाजी को दी और बहुत से तहाइफ उस्मान गाजी की तरफ भिजवाए और साथ ही अस्करी शहर और एनोनों के फतह करदा इलाके उस्मान गाजी की तहवील में दे दिए और इन्हें अपने फतह करदा इलाकों में अपने नाम का खुतबा देने और अपने नाम का सिक्का जारी करने की इजाज़त भी दे दी। यानी उस्मान गाजी को बाकायदा तौर पर सुल्तान की हैसियत मिल गई। मगर उस दौर में हकूमती मामलात में मंगोलों का बहुत अमल दखल था और सुल्तान बहुत कम उम्र थे, इसलिए वो रियासत को संभाल ना सके और रियासत मजीद सवाल का शिकार होती चली गई। हालात इतने ख़राब हो गए कि तुर्क कबाइल भी सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद स्वयं के खिलाफ हो गए। मंगोलों से मामलात बेहतर करने के खातिर सुल्तान ने मंगोल शहजादी से निकाह भी किया, मगर फिर भी मंगोलों ने इन्हें तख्त से बरतरफ कर दिया। गाजान खान ने 1301 या 2 में सुल्तान अलाउद्दीन केक्युबाद को बरतरफ किया और उनकी जगह एक बार फिर से सुल्तान मसूद तख्त नशीन हुए। सुल्तान अलाउद्दीन की मौत साल 1303 में हुई। उनकी मौत को लेकर तारीख में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है। बास तारीखदान लिखते हैं कि इन्हें इनके मुलाजमों ने कत्ल किया। बास के मुताबिक इन्हें बाजंतीनी शहनशाह ने कैद करवाया था और दौरान कैद इनकी मौत वाकया हुई। और बास तारीखदान कहते हैं कि मंगोलों के हुक्मरान गजान खान ने इस्फहान में बिगड़ते हालात के बाइस इन्हें कत्ल कर दिया। इन्हें मशहूर सलजोकी सुल्तान मलिक शाह के मज़ार में दफन किया गया। आपकी मौत बहुत कम उम्री में वाकया हुई। ड्रामा सीरियल कोर्लिस उस्मान में भी बहुत ही जल्द आपकी हुकूमत का खात्मा दिखाया जाएगा और फिर से सुल्तान मसूद सल्तनत सलजोक पर हुक्मरानी करते हुए नजर आएंगे।